Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे पैरा मेडिकल की वैकेंसी को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एम्स की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यह आपका विज्ञापन क्रमांक एवं इसके रिलीजिंग डेट है, यानी कि इस डेट को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से पदों को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं पद के बारे में। नेम ऑफ द पोस्ट रिसर्च एसोसिएट थर्ड, नंबर ऑफ द पोस्ट 1 ओबीसी कैटेगरी से रिजर्व सीट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस और इक्विवेलेंट डिग्री अथवा हैविंग 3 इयर्स ऑफ रिसर्च टीचिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर विथ एट लीस्ट 1 रिसर्च पेपर साइंस साइटेशन इंडेक्स एससीटी जर्नल। यानी कि यहाँ पे पीएचडी, एमडी, एमएस ऑन इक्विवेलेंट डिग्री एंड उसका 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेके 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर लिखा है जॉब प्रोफाइल, यानी कि आपका वर्क क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है आईपीडी वार्ड एंड आईसीयू राउंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर एएमएसपी टीचिंग ऑफ नर्सिंग स्टाफ एंड अदर्स रिगार्डिंग एमएसएसपी इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिस कलेक्शन एंड फिलिंग ऑफ टेक्निकल डेटा एंड रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो इस तरह से आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाली है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन एमएएमएसपी रखा गया है। जॉब ड्यूरेशन 1 साल का जॉब ड्यूरेशन है आपका। प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि आपका जॉब लोकेशन जोधपुर रहने वाली है। मंथली सैलरी की बात करें 54,000 प्लस 18% एचआरए आपका ऐड होगा पर मंथ का। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, एक एसटी, एक एससी, दोनों कैटेगरी से एक एक सीट रिजर्व है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी जीएनएम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस अथवा रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ विद स्टेट अथवा स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास में जीएनएम का डिग्री डिप्लोमा प्लस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एवं उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे 18 से लेके 30 साल एज लिमिट है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपकी जो वर्क है वार्ड एंड आईसीयू राउंड फॉर डेटा कलेक्शन रिगार्डिंग एएमएसपी डेटा कंप्लेंट एंड फाइलिंग इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट टीचिंग एंड ट्रेनिंग एएमएसपी एनालिसिस ऑफ डाटा। इस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल रहेगी, यानी कि आपको काम क्या करना है। अब बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पे लिखा है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग एएमएसपी एंड आईपीसी के तहत जो आपका नॉलेज एवं एक्सपीरियंस है वो रखा गया है। जॉब ड्यूरेशन यहाँ पे 1 साल का है। प्लेस ऑफ वर्क आपका जोधपुर, जॉब लोकेशन रहेगी। मंथली सैलरी आपकी 31,500 पर मंथ रहने वाली है। वेतन काफ़ी अच्छा है, बस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, 1 साल के लिए है, अभी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिर्फ 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी से रिजर्व सीट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आपको इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपको आवेदन नहीं करना है पहले से कहीं पर भी,
आपका डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू डेट है आपकी 8 जून 2022 @9 AM एट फॉलोविंग एड्रेस, ये आपका एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको 8 जून को सुबह 9 बजे उपस्थित होना है। उसी समय आपका बायोडाटा एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है। नीचे एक आपको फॉर्मेट दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, आपको वो प्रिंट कर लेना है। उसके बाद उसको फिलअप करके अपने एक डॉक्यूमेंट सेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी अटैच करना है एवं 8 जून को आपको उपस्थित होना है। ठीक है, आपका ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको उपस्थित होना है। रिसर्च सेक्शन, रूम नंबर C116, फर्स्ट फ्लोर, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जोधपुर। ये आपका एड्रेस है, यहाँ पर आपको 8 तारीख को उपस्थित होना है। अब देखते हैं नीचे फॉर्मेट कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन, नेम ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट की आप अप्लाई कर रहे हो, एडवर्टाइज नंबर एवं फाइल नंबर, आगे ऊपर आपकी ये फाइल नंबर दी गई है, एडवर्टाइज नंबर, विज्ञापन क्रमांक जो हमने बताया अभी, ये इस प्रकार ये आपको वहाँ पे लिखना है पूरा। तो इस तरह से आपको अपना ये फॉर्मेट पूरा फिलअप करना है। अब हम बात करेंगे कि आप इन नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर एम्स जोधपुर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, यहाँ इसका लोगो होगा। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रिक्रूटमेंट, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपको 4-5 ऑप्शन और दिखने वाले हैं। इसके बाद आपको रिसर्च रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट शो होने लगेगा, नोटिफिकेशन, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकेंगे लास्ट स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखा है 24 मई, लास्ट डेट है यहाँ पे 8 जून 2022। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह आपका PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट का एक प्रिंट ले लेना है। इसके बाद 8 जून को दिए गए एड्रेस पे आपको उपस्थित होना है सुबह टाइम, मॉर्निंग 9 बजे। बाकी आप नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं हमारे चैनल पर MCQs क्वेश्चन फॉर लैब टेक्नीशियन के अपडेट हो रहे हैं तो आप उनको पढ़ते जाएं। आपके सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।